होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएल लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो हैं, परंतु उसका फल मांसी है, वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा, वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय आठ। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएल लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रेम के यारों को
मजदूरी पर रखा है। यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो हैं, परंतु उसका फल मांसी है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इसराइल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, इसलिए कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझको पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएल लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते तो आए, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते तो आए, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, इसलिए कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे कब तक निर्दोष होने में विलंब करेंगे? यह तो इसराइल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह परमेश्वर नहीं है। इसका कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, उसके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, उनकी उपज से कुछ आटा न होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इसराइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए हैं जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रेम के यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूरी कर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है और वे वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि करते तो हैं, परंतु उसका फल मांसी है। वे तो आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे। इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उनके महल भस्म हो जाएंगे।